नेक्स्ट ये करो, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है, वेलोसिटी है टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ और कुछ कांस्टेंट पे डिपेंड कर रही है वेलोसिटी, बी इज इक्वल टू ए टी प्लस बी इज इक्वल टू ए टी प्लस बी और टी प्लस सी। इस ये जो क्वेश्चन है इस जिस प्रिंसिपल पे काम करता है ये क्वेश्चन, जिस प्रिंसिपल पर लगेगा उस पर इधर बहुत सारे प्रॉब्लम लगते हैं, तो आपको याद रखना है इस कॉन्सेप्ट को। वे बी सी आर कॉन्स्टेंट है तो उस कॉन्स्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, वेयर बी वेलोसिटी है और टी टाइम है, ठीक है, बी वेलोसिटी है टी टाइम है। आपको पता है ये जो काम करेगा वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे लगेगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, उन्हीं चीज़ों को जोड़ा जा सकता है, उन्हीं चीज़ों को घटाया जा सकता है जिनका नेचर सेम होता है, यूनिट सेम होता है, डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है फिजिक्स में। अगर ए प्लस बी, ए बी के साथ जुड़ा है, प्रोडक्ट और डिवीजन के लिए नहीं, ए बी के साथ जुड़ा है या ए बी के साथ घटा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सेम नेचर के होंगे। मतलब अगर ये फोर्स है तो ये भी फोर्स होगा, मोमेंटम है तो ये मोमेंटम होगा, दोनों का यूनिट सेम होगा और दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। ऐसा नहीं कि आलू को गोभी में जोड़ दो, ऐसा नहीं, 10 केजी आलू और 10 केजी गोभी जो है वो कितना हुआ, ठीक है, तो वो तो 20 हो गया, 20 किलो सब्जी हो गई, नई चीज़ बन गई ना, ऐसे फिजिक्स में नहीं होता है, ठीक है। फिजिक्स में वही लोग आपस में जुड़ेंगे जिनका नेचर सेम होता है, ठीक है, और जिनका बिहेवियर डायमेंशनली, अब जबकि प्रोडक्ट और डिवीजन में ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब टी और सी आपस में जुड़ गए यहाँ, ठीक है, इसको टर्म बोला जाता है, इस पूरे को टर्म बोला जाता है, दो टर्म इधर है, ये पूरा एक टर्म है, ठीक है, तो ये टी और सी जुड़े, इसका मतलब ये हुआ कि सी की डायमेंशनल फार्मूला टी के इक्वल है कैपिटल टी, तो ये तो ऐसे ही आ गया, सी का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल टी के इक्वल है ए बी सी, मतलब ये हुआ। बाकी करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ए बी सी ऑर्डर में दिया हुआ है, तो ए बी सी ऑर्डर में, अब इसमें से एक ही फार्मूला है जिसका सी जो टी के साथ मैच कर रहा है, दैट इज बी ऑप्शन सही है, और अगर बाकी करना भी चाहते हो तो कर लो। चलो अगर ए टी, अब सी का आगे ए टी का निकालोगे तो इसका डायमेंशनल फार्मूला इन सब के इक्वल होता है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो ए टी डायमेंशनली इक्वल होगा बी के, डायमेंशनली हो गया बी प्लस टी प्लस सी के, तो जहां से मैंने कहा वहां से निकाल लो, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का डायमेंशनल फार्मूला बी बाई टी के इक्वल होगा, वेलोसिटी का हो गया एल टी माइनस वन, इसका हो गया टी, तो ए आ जाएगा एल और टी की पावर माइनस टू, दैट इज व्हाट ए, ए का देखो दिया हुआ। अब रहा बी, बी का डायमेंशनल फार्मूला बी, ये पूरे का डायमेंशनल फार्मूला इन सब के बराबर होगा यार, इन सब के बराबर होता है, ठीक है। चलो तो बी और टी प्लस सी डायमेंशनली इक्वल होगा भी के, डायमेंशनली इक्वल होगा भी के, और ये जब डायमेंशनली जुड़ेंगे बी और टी प्लस सी तो वो टाइम ही होगा। इधर देखो अगर टू टी डायमेंशनली टी के साथ जुड़ता है तो टी ही मिलेगा भैया, डायमेंशनली टाइम को टाइम के साथ जोड़ोगे तो टाइम ही मिलेगा, लेंथ को लेंथ के साथ जोड़ेगा तो लेंथ ही बोलेगा, मैथमेटिकली तो ये गलत है पर डायमेंशनली ये सही है, ठीक है। तो ये जो है ये आ गया बी, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी का हो गया एल टी माइनस वन और ए आ जाएगा इधर, आ गया बी और बी ने टी का मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा एल, ठीक है, तो मतलब बी ऑप्शन सही है, क्लियर है। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और कैसे क्वेश्चन करना है ये भी आपको क्लियर हो गया।